आज हम बनाएंगे बेसन का एक बहुत ही टेस्टी चटपटा और नया नाश्ता। ये देखिए बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता बनकर तैयार होता है। आप इसको कभी भी बना सकती हैं। बाहर से एकदम कुरकुरा है और अंदर से एकदम सॉफ्ट। चलिए शुरू करते हैं आज इसी की रेसिपी को। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा, बेस्ट जायका विद सीमा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की रेसिपी बनाने के लिए हमने थोड़ी सी सब्जियाँ ले ली हैं, जिसमें 3 हमने हरी मिर्च ली है, थोड़ी सी हमने दोनों कलर की शिमला मिर्च ले ली है, एक प्याज ले लिया है, इनको हमने बारीक बारीक काट लिया है। हमें लेना है एक चॉपर और ये सारी सब्जियाँ जितनी भी हमने काटी हैं सब की सब हम चॉपर में डाल देंगे और इसको बारीक बारीक चॉप कर लेंगे, क्योंकि इस रेसिपी में हम जितनी बारीक इन सब्जियों को डालेंगे करके उतनी ही टेस्टी हमारी ये रेसिपी बनकर तैयार होगी। चलिए इनको हम चॉप कर लेते हैं अच्छे से। सारी सब्जियों को हमने फटाफट से चॉप कर लिया है। अब लेंगे एक खाली बाउल और इसमें डाल देंगे ये 1 कप हमने लिया है बेसन। बेसन को अच्छे से छान कर ले लें। ये हमने 2 मीडियम साइज के आलू लिए हैं, बॉयल्ड आलू हैं, इनको हमने ग्रेट कर लिया है कद्दूकस से। ध्यान रहे यहाँ पर हमें आलू को भी ग्रेट कर ही लेना है, मैश कर ना लें। सब्जियाँ डाल देंगे सारी जो हमने चॉप कर रखी हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है थोड़ा सा डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1 छोटा चम्मच या फिर स्वाद के अनुसार आप इसमें नमक को डाल दें। 1/2 छोटी चम्मच धनिया पाउडर लिया है डाल देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर है डाल देंगे। 1/4 चम्मच ही लाल मिर्च का पाउडर है उसको भी डाल देंगे। 1/4 से भी कम काली मिर्च का पाउडर है उसको भी डाल देंगे। 1/2 छोटी चम्मच लिया है चाट मसाला इसे भी डाल देंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है चाट मसाले से इस रेसिपी के अंदर। अगर आपके पास चाट मसाला ना हो तो आप इसकी जगह पर नींबू का रस या अमचूर पाउडर भी डाल सकती हैं। 1 कप हमने लिया है पानी, थोड़ा थोड़ा कर इसमें डालेंगे और इसका एक घोल बनाकर तैयार करेंगे। एक साथ में सारा पानी ना डालें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी और फिर हमारा बैटर अच्छा नहीं बन पाएगा। धीरे धीरे करके डालते रहें और इसका घोल बना लें। 1 कप पानी हमने इसमें पूरा डाल दिया है। ये 1 कप पानी हमने ओढ़ लिया है इसको भी डाल देंगे, क्योंकि हमें इसका एक पतला घोल बनाकर तैयार करना है। डाल देंगे हरा धनिया लिया था उसको भी डाल देंगे। ये देखिए आप बैटर की कंसिस्टेंसी देखिए, ऐसा ही बैटर हमें चाहिए। 1 कप बेसन में हमने 2 कप पानी के डाले हैं। अब हम ट्रे को ग्रीस कर लेंगे, क्योंकि हम इसी में अपने नाश्ते को जमाएंगे, सेट करेंगे, इसलिए इसको हम ग्रीस कर लेंगे चारों तरफ से अच्छे से, ताकि जो हमारा नाश्ता है वो आराम से निकल जाए इसमें से। सेट होने के बाद गैस पर एक कढ़ाई या पैन रख लेंगे। इसमें हम डाल देंगे 1 से 2 चम्मच तेल। तेल आप कोई सा भी डाल सकती हैं जो आप खाना पसंद करें। तेल को अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाएगा इसमें डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच राई। राई का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस नाश्ते में। राई को तड़कने देंगे। जैसे ही राई तड़क जाएगी जो हमने बेसन वाला घोल बनाकर रखा है उसको हम इसमें डाल देंगे। सारा घोल हमें डाल देना है और इसको हमें लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक ये डो की फॉर्म में ना आ जाए, गाढ़ा ना हो जाए अच्छे से। गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम रखेंगे और कंटिन्यू इसको चलाते रहेंगे। बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि ये बहुत ही अच्छा गाढ़ा होने लगेगा और एक डो के रूप में आ जाएगा। और ये देखिए अभी 1 मिनट ही हुआ है हमें इसको चलाते हुए और आप देख रहे होंगे कि ये धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है। इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे और डो बनने तक इसको हमें पकाना है। और ये देखिए आप देख रहे होंगे कि जो हमारा बैटर है वो पूरी तरीके से गाढ़ा हो चुका है और ये पैन को छोड़ने लगा है। बस हमें ऐसी ही इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। ये सारा बैटर हम इस ट्रे में डाल देंगे और ये लीजिए हमने इसको स्पैचुला की सहायता से अच्छे से फैला दिया है एक साथ। हमने इसको ज़्यादा मोटा ना कि ज़्यादा बारीक फैलाया है, मीडियम थिकनेस का रखा है। अब हम इसको काउंटर टॉप पर ही छोड़ देंगे लगभग 1/2 घंटे के लिए, ताकि अच्छे से सेट हो जाए। या फिर अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो आप इसको 15 से 20 मिनट के लिए फ्रिज में भी रख सकती हैं। 1/2 घंटे बाद ये देखिए जो हमारा बेसन वाला बैटर है वो पूरी अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। चलिए अब इसको कट कर लेते हैं। हमें चाकू लेना है और इसमें ऐसे पतले पतले हमें स्ट्रिप्स बना देनी है। ये देखिए आपको देखने से ही लग रहा होगा कि नाश्ता जो है वो कितना अच्छा सेट हुआ है। अब इसमें ऐसे हम बीच में से निशान लगा देंगे। लंबी लंबी हमें इसकी पट्टियाँ काटनी है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए हमने इनको काट लिया है। मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। ये देखिए इतना अच्छा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। चलिए इनको प्लेट में रख लेते हैं। और ये देखिए सारा नाश्ता हमने प्लेट में रख लिया है। बहुत ही सुंदर हमारा बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बना है। चलिए इसको फ्राई कर लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा हमने तेल चढ़ा दिया है। तेल को हमें बहुत अच्छे से गर्म करना है, उसी के बाद हम इसमें नाश्ते को डालेंगे। ये देखिए तेल बहुत अच्छा गर्म हो चुका है। चलिए एक एक करके इसमें नाश्ता डाल देते हैं। एक बारी में जितना है उतना आप डाल दें।
अभी हमें इसको छेड़ना नहीं है, जब ये नीचे से सिक जाएगा उसके बाद ही हम इसको पलट देंगे। नीचे से सिक चुका है, चलिए इसको पलट देते हैं। धीरे धीरे करके हम इसको पलट देंगे, ये देखिए। और इसको दोनों तरफ से अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें सेक लेना है। ये देखिए, दोनों तरफ से हमने इसको पलट पलट कर अच्छा गोल्डन कलर आने तक सेक लिया है। बहुत ही अच्छा हमारा नाश्ता सिका है। चलिए इसको हम प्लेट में निकाल लेते हैं और बाकी नाश्ते को भी ऐसे ही सेक कर तैयार करते हैं। तो लीजिए, तैयार है एकदम गर्मा गर्म बेसन का नया टेस्टी कुरकुरा और चटपटा नाश्ता। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। आप इसको बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकती हैं, शाम को चाय के साथ बना सकती हैं। आप इसको एक बार ज़रूर बनाएं, और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दें। मेरे चैनल पर नए आए हों तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।